हे गाइस, वेलकम बैक टू कंज्यूमर ईबीएस। ये दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2021 सुजुकी एक्सेस 125 BS6 वेरिएंट डिस्क ब्रेक के साथ मिल जा रही है अभी। और ये आप जो कलर देख रहे हो, बिल्कुल नया कलर वेरिएंट आपको मिलता है, ब्रोंज कलर मेटालिक फिनिश में मिल जाती है और क्रोम इंसर्ट्स काफ़ी खूबसूरत लुक इसको प्रोवाइड करते हैं। बाकी प्राइस की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 79,000 रुपीज़ से और ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली है 94,000 रुपीज़। अगर आप वेस्ट बंगाल में इसका प्राइस की बात करें तो 82,000 रुपीज़ के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है। बाकी अगर आप अपने सिटी में प्राइस पता करना चाहते हो तो अपने नज़दीकी सुजुकी डीलरशिप को कॉन्टैक्ट करें या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन से नए चेंजेस आपको मिल जाते हैं अभी BS6 वाले 2021 वेरिएंट एक्सेस में। तो सबसे पहले चीज़ है LED हेडलैम्प आपको अभी मिल जाता है। ये चीज़ आपको जुपिटर में भी मिल जाती है, अभी स्टैंडर्ड आपको मिलती है। बाकी इसमें भी काफ़ी बेहतरीन हेडलैम्प मिलता है, फुल LED, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। बाकी यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फ़ीचर अभी आपको एक्सेस में मिलने लगे हैं, जिसके वजह से आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हो। USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फ़ीचर भी मिलते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसके ब्रेक से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसका डिस्क ब्रेक कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलती है। टायर प्रोफाइल वगैरह सब ट्यूबलेस हैं, आगे पीछे दोनों तरफ 12 इंचेस के मिलते हैं फ्रंट में। और अलॉय व्हील आप देख सकते हो पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है। फ्रंट का जो फेंडर है ये मेटल फिनिश में मिल जाता है और टायर प्रोफाइल वगैरह काफ़ी डिसेंट है 125cc सेगमेंट में। अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी देख सकते हैं, 5-स्पोक पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है। यहाँ पर जो हेडलैम्प है फुल LED है क्रोम सराउंड के साथ में, काफ़ी डिसेंट लुक आपको ये प्रोवाइड करती है। बाकी जो इंडिकेटर्स है काफ़ी लॉन्ग डिज़ाइन है, ये आपको नॉर्मल बल्ब टाइप के मिलते हैं, क्रोम फिनिश के साथ में मिलते हैं। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो भी क्रोम फिनिश में मिल जाता है। बाकी ऐसा कुछ दिखता है इसका फ्रंट प्रोफाइल, काफ़ी स्मार्ट लुकिंग आपको डिज़ाइन मिलता है। सिटी में आपको बहुत जगह एक्सेस देखने को मिलेगी क्योंकि इसका माइलेज काफ़ी बेहतर हो गया है पहले से। BS6 में आपको अभी 55 के आसपास का माइलेज मिलता है इस बाइक स्कूटर से। बाकी यहाँ पे हैंडल बार क्वालिटी, स्विचेस, कंट्रोल्स काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के मिलते हैं। बाकी यहाँ पे जो पैनल वगैरह हैं ये नॉर्मल आपको ब्राउन फिनिश में मिलते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल डिजिटल है। यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट है, फ्रंट में स्टोरेज पॉकेट है, यहाँ पे आप अपने डिवाइसेस को रख के चार्ज कर सकते हो। बाकी स्टोरेज के लिए यहाँ पे यूटिलिटी हुक भी मिल जाता है फ्रंट में। ऐसा कुछ दिखता है इसका चाबी का डिज़ाइन, काफ़ी स्मार्ट लुकिंग है, सुजुकी की ब्रांडिंग मिलती है। कॉम्बिनेशन लॉक वाला सिस्टम मिल जाता है, यहीं से आप बूट को ओपन कर सकते हो। बाकी यूटिलिटी हुक दूसरा वाला भी मिलता है आपको सीट के नीचे। बाकी दोनों स्टैंड मिल जाते हैं आपको, एक्सेस की ब्रांडिंग है क्रोम फिनिश में, एम्बलम वाले फिनिश में मिलती है। बाकी पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर जैसे फ़ीचर आपको मिल जाते हैं। फ्यूल लिड जो है ये आपको एक्सटर्नल मिल जाता है, काफ़ी डिसेंट है, 5 लीटर की फ्यूल टैंक है और इससे आप फुल टैंक रेंज 230 किलोमीटर्स तक की अचीव कर सकते हो। सीट जो है काफ़ी लंबी है, लेदर फिनिश में मिल जाती है और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रैब रेल मिलते हैं, वाइट कलर की स्टिचिंग मिलती है। अभी काफ़ी प्रीमियम लॉन्ग सीट मिलती है, सीट हाइट 773 mm की है, तो फीमेल राइडर्स के लिए, शॉर्ट हाइटेड राइडर्स के लिए बहुत ईजी टू सैडल होने वाला है। बाकी इंजन जो है ये अभी आपको सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 124cc का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन है। 8.7 PS का मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है और 10 Nm का मैक्स टॉर्क अपने सेगमेंट में काफ़ी डिसेंट है और सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों से ही आप इसको ऑन कर सकते हो। बाकी पीछे की तरफ आपको नॉर्मल 10 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है पीछे की तरफ। यहाँ पे दोस्तों 125cc सेगमेंट में आपको जो नॉर्मल स्टील व्हील का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर क्रोम प्लेटिंग आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। और ब्लैक कलर के पियानो ब्लैक अलॉय व्हील डिज़ाइन पीछे की तरफ देख सकते हो। फुटरेस्ट वाला एरिया यहाँ पे रबर फिनिश में मिलती है। बाकी सुजुकी इको परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग है और ऐसा कुछ दिखता है इसका साइड की तरफ से ओवरऑल डिज़ाइन। इसकी जो लेंथ है वो है 1870 mm की, इसकी विड्थ है 690 mm की और इसकी हाइट है 1160 mm की। यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का है, सिटी राइड हाईवे राइड कंडीशंस के लिए काफ़ी बेहतरीन है। और इसका जो कर्व वेट है वो है 103 kg का। यहाँ पे कलर ऑप्शंस की बात करें तो बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं और सारे में आपको LED हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है। बाकी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए बाइक, स्कूटर, यूज्ड कार, यूज्ड बाइक और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। किसी और बाइक या स्कूटर का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। निसान मैग्नाइट, निसान किक्स
और डैटसन गो जैसी कार्स का वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।